ओए होए 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 होए, ये लगी हुई है जी बीमारी। अभी स्प्रे मेरे ख्याल में करने वालों ने सही नहीं की। ये छोटे छोटे पौधे प्याज के, ये देखिए ये भी नीचे बन रहा है इसकी जड़ों में, ये प्याज बन रहा है नीचे, ये सारा प्याज है। ये पीछे गवार, गवार की फलियां जो मार्केट से मिलती हैं आपको, ये उसका पौधा लगा हुआ है। ये सौंझने का दरख्त लगा हुआ है, वो खजूर लगी हुई है, वो खजूर है जी अजवा, वो गिटके उसकी थी वो मैंने लगाई थी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। अच्छा, मुझे आप लोगों से है बड़ी नाराज़गी। आप लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यार अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, कुछ नहीं जाता आप लोगों का। आप लोगों के पैसे तो नहीं लगते ना वीडियो को लाइक करने में और शेयर करने में या उस चैनल को सब्सक्राइब करने में। चलें आज चलते हैं जी बाहर, चल के करते हैं काम, थोड़े बहुत हैं और कुछ सामान लेने जाना है सिटी अफ्तार का, तो कोई देगे शेगे पकवानी है अफ्तारी की, वो सामान लेने जाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। आज जाएंगे या कल जाएंगे, अभी ये बाहर ये मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ है। पहले गाय खड़ी हैं, इनको बांध देते हैं, इनको बांध के तो चारा चारा काटेंगे। ये टॉमी साहब ने आज फिर हमें ज्वाइन कर लिया है एज़ यूजुअल। वो जैसे मुझे बाहर निकलता देखता है ना, टॉमी मेरे साथ ही आ जाता है। गाय को छोड़ते हैं, गाय छोड़ के तो ये इनको चारा चारा डालते हैं, फिर वहाँ से चारा काट के डालेंगे और जुड़े रहें साथ, आपको दिखाते हैं देसी लाइफ। हाँ जी चू, ये इसको खोल देते हैं, ये किसी ने बड़ा टाइट करके बांधा हुआ। ओए होए होए, इतना टाइट बांधा हुआ है, एक मिनट जी फोन रखना पड़ेगा। वो जी कल्लो माई जा रही है, चलो जी ये भी जा रही है चारे की तरफ। चलो जिनको बांध दिया है अभी खाएंगे अपना चारा शारा, हम जाते हैं जाके करते हैं अपना काम। ये मारती है भाई, अभी जाके काटते हैं चारा इनका, और कभी चारा ये वाला कम है। ये उठाते हैं जी दात्री कपड़ा, चलते हैं चल के काटते हैं घास। ये हमारा लेमन का दरख्त लगा हुआ है, लेमन छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं इसको, ये कुछ ही दिनों में लेमन भी बन जाएंगे बड़े बड़े। लहसुन भी हमारा तैयार है ऑलमोस्ट, साथ वो धनिया लगे हुए है, सूखा धनिया बन जाएगा। ये सौंफ लगे हुए हैं, ये होते हैं शहर के देहात के मज़े। धूप बड़ी है आज, तभी घास काटते हैं इधर से। ये लो जी कपड़ा, चलो इस पार खड़ा रहो, बहुत लग रहा है। शेर जुआन भाई रात्रि चाहिए हमें, है ना रूजी वहां दूजी रात्रि चाहिए, उठा दे रहे चाहिए।
टॉमी टॉमी, ये जी कुत्ता है, ये बड़ी सिक्योरिटी करता है मेरी, तो ये सिर्फ काम खराब करता है। इधर आओ, वापिस आओ। ये अब डर के भाग गया, इसको लग रहा है शायद मुझे पड़ेगी मार, ये घास खराब कर रहा है। ओ भाई जा खड़ा हो गया, मेरे कैमरे में आपको दिखा। सुबह का नाश्ता लिया हमने काट, भैंसों का सांस फूल गया। ओए होए होए होए, बड़ी औखी है, गांव में रहना सौखा नहीं है। चलें मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हाँ जी, घास हमने वापस पहुंचा दी है। मुझे बताया था सुबह मुलाजिम ने कि मकई को लगा हुआ है कीड़ा, वो स्प्रे की थी, तो वो जो स्प्रे है ना वो शायद सही नहीं दी। तो मैं कहा जा के चेक कर रहा हूँ कि मसला है क्या। ओए होए 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 होए, ये लगी हुई है जी बीमारी। अभी वो स्प्रे मेरे ख्याल में करने वालों ने सही नहीं की, तो ये अभी दोबारा जाके उठाते हैं स्प्रे, फिर इसको करवाते हैं। ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, थोड़ा आगे जाके भी देख लेते हैं आगे क्या सूरत हाल है। वो वहाँ तक प्लॉट तक मकई है भाईजान, सारी का ये एक ही हाल है, पूरी मकई का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। ये देखें, ओए होए होए होए, ये तो आजकल में अगर इसका काम ना किया तो इसने मेरा काम कर देना। टॉमी साहब आपके होते हुए क्या हो रहा है, हैं? सिक्योरिटी। चलें जी, मकई का हाल तो बड़ा नाजुक है, अभी जाते हैं शहर या किसी वो एग्रीकल्चर वाले से कंसल्ट करते हैं इसका क्या हल निकल सकता है। नहीं तो ये तो भाई जान दो दिन में साफ़ सुथरी हो जाएगी, इधर नज़र भी कुछ नहीं आना, दो चार दिन में ये बीमारी खा जाएगी इसको। चलें चलते हैं जी, अभी गर्मी में फिर के आज रोज़ा नहीं है, कुछ ठंडा ठंडा जा के पीते हैं। रोज़ा इसलिए नहीं कि अभी कुछ भाई कहेंगे दिन हट्टा कट्टा जवान है रोज़ा नहीं रखता, रोज़ा इसलिए नहीं कि आज मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरी किडनी में दर्द था, मुझे किडनी इशू है तो फिर थोड़ा सा करना पड़ता है। ये देखें जी, ये है लहसुन ये, और ये हैं जी प्याज, ये छोटे छोटे पौधे प्याज के। ये देखें, ये भी नीचे बन रहा है इसकी जड़ों में, ये प्याज बन रहा है नीचे, ये सारा प्याज है। ये पीछे गवार, गवार की फलियां जो मार्केट से मिलती हैं आपको, ये उसका पौधा लगा हुआ है। ये सौंझने का दरख्त लगा हुआ है, वो खजूर लगी हुई है, वो खजूर है जी अजवा, वो गिटकें उसकी थी, वो मैंने लगाई थी, अम्मी को शौक है गार्डनिंग का,
तो फिर लगा देती हैं, उनको बड़ा शौक है। ऑलमोस्ट हर चीज़ का पौधा लगा हुआ है मेरे पास, जामुन भी लगा हुआ है, ये शहतूत है। गार्डनिंग का बड़ा शौक है तो पौधे सारे लगा के रखते हैं। अभी और भी दिखाता हूँ आपको चल के। ये है जी जामुन, ये जामुन का दरख्त है। इसको हो गए ऑलमोस्ट 15-16 साल, ही मैंने अपने बचपन में लगाया था। ये इसको जामुन लग रहे हैं, ये फिर खाएंगे जामुन भी। ये देखिए अंदर भी ऐसे पौधे लगे हुए हैं। ये लगा हुआ है जी अनार, ये लगा हुआ है चीकू, चंबेली, शकरी किन्नू, गोहल अमरूद, लंबा अमरूद, वो फ्रूटर, माल्टा, कचनाल, लेमन, ये है जी लेमन। और ये मटर और नीचे मिर्ची शिर्ची लगी हुई है। ये मैंगो लगा हुआ था, मैंगो ख़राब हो गया, अम्मी का सूख गया बेचारा। और गर्मी बहुत है आज बाहर, आहिस्ता आहिस्ता गर्मी अब बढ़ती जा रही है। और अंदर आ गए हैं ये जी, घर आपको बिखरा बिखरा हुआ नज़र आएगा, घर का चल रहा है काम इसलिए घर है बिखरा हुआ सारा। यहाँ जी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं यहाँ से, ये जी शुगर फ्री यूज़ होती है हमारे घर में, वो ये रहे ज़ीरो शुगर, ताकि कोई मोटा ना हो, हर बंदा स्लिम स्मार्ट ही रहे। ओए होए होए, एसी की मौसम भी आने वाली है मुझे लगता है, एसी चलेंगे तो फिर बिल भी आएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे। वो एसी लगा हुआ है, कोशिश करेंगे कि इसे इस दफ़ा मैं प्लेटों पे कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने कोई 60-70 हज़ार 80 हज़ार बिल पे किया था एक महीने का। ओके जी, 6 महीनों का बिल अच्छा खासा बन जाता, उतनी की प्लेटें लग जाएंगी। सुकून, चलें थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर होते हैं, बाहर निकलते हैं, काम शाम देखते हैं अपने। मिस्त्री साहब आए थे, वो जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, मिस्त्री साहब आए थे हिसाब किताब करने, मज़दूर नहीं मिल रहे यार। मैंने मिस्त्री को बोला कि भाईजान इसको करवा दो आप मुझे सारा ठीक, इसकी छत छत डाल के दो, तो ये काम तो मुझे ये भी प्लास्टर करके दो, ये काम तो कंप्लीट हो ना, उसके बाद ही कोई काम देखेंगे, क्योंकि ये भी अभी पेंट होने वाला रहता है, ये रैंप बनाना है और ये दीवार आनी है बाउंड्री वॉल। वो असल में वो इसलिए अभी थोड़ा होल्ड किया हुआ है कि उस जगह का है, वो है दूसरी एकड़ की ज़मीन, तो उसका है कोई स्टे ऑर्डर कोर्ट की तरफ से। वो जी एक कज़न है मेरे, वो क्लेम करते हैं कि ये जगह मेरी है, तो मैंने उसे कहा है कि भाई जान आप ले आओ जो भी अपना हिसाब किताब है, निकालो इसको क्लियर करके, ये भी घर कम्प्लीट करवाते हैं भैंस, ये सारा घर का सत्यानाश हुआ पड़ा है। तो ये अभी छत छत डलवाते हैं, मिस्त्री साहब परसों फिर आ जाएंगे अपने काम पे। मैंने बोला है कि मज़दूरों का अरेंज करो और ये छत छत डालो इसकी। चलें अब चलते हैं अंदर, ये पंखे शंखे बंद कर देते हैं, इधर से भी कुंडी लगा देते हैं।